हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 10वीं गणित के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सवाल। सवाल में आज हम प्रश्नावली 3.4 पढ़ने वाले हैं। 3.4 का पहले प्रश्न का दूसरा सवाल आज हम यहाँ पर हल करेंगे। तो प्रश्न दिया था, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो ये एक समीकरण का युग्म दिया है, युग्म मतलब समीकरण का एक जोड़ा है जिसमें दो समीकरण है, इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो हल करने का मतलब तो क्या होता है, ये जो x और y दिख रहे हैं, इन x और y के मान निकालना है हमें। अब कौन सी विधि से निकालना है वो, लेकिन विलोपन विधि से। तो कैसे होगा ये सवाल, अब यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दी गई समीकरण को लिख लेते हैं। दी गई समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, इसे हम समीकरण एक बना देंगे। और 2x माइनस 2y बराबर 2, इसे समीकरण दो बना देंगे। अब विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि यहाँ पे दो चर है हमारे पास, x और y, तो इसमें से किसी एक चर को हम विलोपित कर देंगे। विलोपित करने का मतलब यहाँ से एक चर गायब कर देंगे, तो हमारे पास एक जो बचा हुआ चर होगा उसका मान निकल जाएगा। तो एक चर को विलोपित यदि हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा, उनके गुणांक एक जैसे बनाने पड़ेंगे। गुणांक एक जैसे बनाने का मतलब इनके गुणे में जो अंक दिख रहा है, जैसे x के गुणे में ये 3 और इस x के गुणे में ये 2, तो दोनों x के गुणे में एक जैसा अंक बनाना है हमें। तो अब एक जैसा अंक यदि हम बनाना चाहते हैं तो क्या करें, इस वाले 3 का गुणा इस 2 में कर दो और इस 2 का गुणा इस 3 में कर दो, तो दोनों कितने कितने हो जाएंगे, ये 6-6 हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एक लाइन, समीकरण एक, ये जो समीकरण एक है इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, इस वाले 2 से। तो समीकरण एक में 2 से व समीकरण दो में, ये जो समीकरण दो है इसमें कितने से गुणा करेंगे, इस 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करने पर। तो समीकरण एक में हम 2 से और समीकरण दो में 3 से गुणा कर रहे हैं। तो अब अगर गुणा करें इसमें 2 से, तो 2 3 6x, जो गुणा कर रहे हैं वो पूरी समीकरण में करना है हमें आखिरी तक। तो 2 3 6x प्लस 2 4 8y बराबर 2 3 20। इसी प्रकार से समीकरण दो में कितने से गुणा करना है, 3 से, तो 3 2 6x माइनस 3 2 6y बराबर 3 2 6। अब इन्हें हम समीकरण 3 और 4 नाम दे देते हैं। अब इस समीकरण 3 में से जब हम समीकरण 4 को घटा देंगे तो ये x वाले चर आपस में विलोपित हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 है 6x प्लस 8y बराबर 20 और 6x माइनस 6y बराबर 6। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे अभी समीकरण 3 और 4 को लिखा है। अब घटाने के लिए हम यहाँ पे इनके चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह किसके बदलने हैं हमें, नीचे वाली इस समीकरण के। तो ये 6 प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, ये 6 माइनस का है तो प्लस का, और ये 6 प्लस का है तो माइनस का, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल दिए। अब ये 6x प्लस का और ये 6x माइनस का है, तो प्लस वाली से माइनस वाली कट जाएगी यहाँ पे। अब 8x, ये 8y प्लस का और 6y भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के होने के कारण ये जुड़ जाएगी, 8 और 6 14y होगा ये। और इधर ये एक संख्या प्लस की और ये 6 माइनस का है, तो ये भी घटेंगे, तो घट के कितना बचेगा, ये 14। अब बड़ी संख्या प्लस की थी तो ये 14 प्लस का ही रहेगा।
तो अब वाई बराबर कितना आ जाएगा, 14, और ये 14 ले आएंगे हम इधर बटे में, तो 14 से 14 को काटने पर बचा हमारे पास एक, तो वाई बराबर एक आ चुका है। अब यही वाई का मान जब हम किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास एक्स का भी मान निकल जाएगा, तो हम इस वाई के मान को समीकरण एक में ही रख लेते हैं, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या थी हमारे पास, 3x, तो ये 3x प्लस 4y, तो 4 तो हमने ऐसे ही लिखा लेकिन y की जगह पे y का मान रख देते हैं, y का मान कितना है हमारे पास, 1, तो ये गुणे में हमने लिख दिया 1, और बराबर में कितना था, 10 था, तो यहाँ पे लिख दिया ये 10। अब ये 3x हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 4 एकम 4 और बराबर में 10 भी ऐसे ही। अब इससे आगे हल करते हैं, अब x का मान निकालना है तो ये x वाली संख्या हम आगे ही रहने देते हैं और बिना x वाली को सबको पीछे कर देते हैं, तो 10 तो पीछे है ही, और ये 4 भी जब हम पीछे ले जाएंगे तो ये प्लस की जगह माइनस का 4 हो जाएगा, तो 3x बराबर 10 में से 4 घटाए तो 6 बचे, तो x बराबर हो जाएगा 6 और ये 3 आ जाएगा अब इसके बटे में, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, x बराबर कितना आ गया अब हमारे पास, 2। तो y का मान हमारे पास 1 आ चुका था, x का आ गया है 2, तो बस यही हमें निकालना था, क्योंकि हल ज्ञात करने का मतलब x और y के मान निकालना ही होता है, तो ये x और y के मान निकल चुके हैं, तो अब हम आखिरी में आंसर लिख देते हैं, अतः x बराबर 2 व y बराबर 1 दिए गए समीकरण युग्म का हल है ये आंसर। तो ये सवाल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद यहाँ तक और फिर ये बचे हुए हिस्से का स्क्रीनशॉट। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।